दल प्रत्याशियों के नामों को फाइनल टच देने में जुटे हैं। दोनों ही पार्टियों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इधर दोनों ही पार्टियों के दावेदारों को बेसब्री से इंतजार है सूचियां जारी होने का। खास दिल्ली में टिकटों का दरबार सजा है। भाजपा कोर कमेटी ने सीएम वसुंधरा राजे और प्रकाश जावड़ेकर के साथ दिन भर लंबी बैठक कर टिकटों को फाइनल टच देने का काम किया। बताया जा रहा है कोर कमेटी ने लगभग हर सीट के प्रत्याशी तय कर लिए हैं। इधर रविवार को भाजपा पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक प्रस्तावित है। पार्लियामेंट्री बोर्ड में चर्चा के बाद इन नामों पर अमित शाह से चर्चा के बाद अंतिम मुहर लगेगी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने ये भी तय किया कि कितने विधायक और मंत्रियों के टिकट कटेंगे। अब बीजेपी इस मंथन में जुटी है कि जहां टिकट कटेंगे वहां किस तरह से करेंगे डैमेज कंट्रोल, नए चेहरों को मजबूती देने के लिए क्या रहेगी रणनीति। वही कांग्रेस में भी स्क्रीनिंग कमेटी ने मशक्कत पूरी कर ली है। हर सीट के लिए प्रत्याशियों के लगभग सभी नाम तय हो चुके हैं। अब 12 नवंबर को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, उसमें नामों पर अंतिम मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है। फिर 12 की रात या 13 नवंबर को पहली लिस्ट जारी हो सकती है। इधर शनिवार सुबह कहा गया था कि सिंगल नाम का पैनल तय होगा, लेकिन शाम होते होते सामने आया कि भरतपुर और जयपुर संभाग में एक नाम के पैनल तैयार नहीं हो सके हैं। ऐसे में दो नामों के पैनल बनाने पड़े हैं। बताया जा रहा है राहुल की मौजूदगी में ही सिंगल नाम के पैनल तय होंगे। नामांकन की तिथि नजदीक आने के साथ ही ये लगभग तय है कि अब सूचियों का इंतजार ज्यादा लंबा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है दावेदारों की धुकधुकी बढ़ती जा रही है और दिन तो जैसे तैसे भागदौड़ में कट रहा है, लेकिन सर्द रातें काटना भारी पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।